1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुए थे। इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि सवर्ण जाति बहुत कम नम है। अगर आप सच्चे आंकड़े निकल जाए तो इनको राज करने का कोई अधिकार नहीं, तुरंत ताकि पता लग जाए 3% के कम भी है ब्राह्मण और उससे भी कम दूसरे सवर्ण। इसको डाइवर्ट कर दिया सारे ये आप हम और हमारे सारा जो अटेंशन है रुझान है डाइवर्ट कर दिया। हम लोगों को कुछ ठोस कदम आएंगे यहाँ भाषण दे के चले जाएंगे तो होगा। संगठन बनाए, हर गांव में संगठन को पहुंचाए, समाज के दूसरे तत्वों के साथ हम लोगों का मेल मिलाप हो, जो लड़ाकू हैं हमारे साथ हो, चाहे वो आदिवासी हो, जो माइनॉरिटीज हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन लोग हों जिनके ऊपर अत्याचार चल रहा है। बड़ा षड्यंत्र है ये सवर्ण जाति, आदिवासी को आजकल वो आदिवासी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आदिवासी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग पहले आए थे आपके पहले, ये नहीं मानना चाहते। ये बड़ा बड़ा इनका षड्यंत्र है, कानून से केवल नहीं लेकिन कानून के ऊपर हम लोग को निर्भर करना होगा, क्योंकि अगर कानून ढंग से चलता तो सिंदूर किलवमेनी भरतपुर लक्ष्मणपुर बैठा सबके जो लोग अत्याचारी हैं आज जेल में बैठे होते खुलेआम सुनते। ये हम लोगों की कमी है कि ये लोग अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, इनको तुरंत बंद कराने की कोशिश हमको करना चाहिए। पहला कदम ये होना चाहिए कि चंद्रशेखर को जल्द से जल्द रिहा करवाने की कोई भी मुहिम कानूनी या आंदोलनकारी मुहिम चलाना जरूरी है। धन्यवाद।